हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरा बर्थडे, मेरा आज जन्मदिन है आज। तो मैंने नहा लिया अपना सर धो के, और नहा के मैंने पूजा भी कर लिया। तो अब हमारे घर में, मतलब हम सभी घर वाले, ज्यादा लोग तो नहीं पर हमारे घर वाले सभी, मतलब रोटी सब्जी खाने वाले हैं, और मेरी एक दोस्त भी आ रही है। तो हाँ गाइस, मैं मतलब अपना बर्थडे ज्यादा बड़े तरीके से सेलिब्रेट नहीं करूँगी, बस छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही करूँगी, क्योंकि इमानी और रूमी भी घर पर नहीं है, वो दोनों चले गए गुवाहाटी। तो अब क्या ही करूँ, तो इसलिए हम सभी घर वाले मिल के घर में खा रहे हैं रोटी और सब्जी, और हाँ और क्या, और मैं उसके बाद में जाऊंगी अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने, पिकेट पत्थरकंदी जाऊंगी। वहाँ पे उन लोगों को भी, मतलब वो लोग बोले कि पार्टी चाहिए पार्टी चाहिए, तो उन लोगों को वहाँ पर भी मैं ज़्यादा बड़े तरीके से तो नहीं, जितना मेरी औकात है, जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से मैं उनको पार्टी दे दूँगी। तो मैं आपको तैयारियाँ दिखाती हूँ, पहले तो मैंने आज बहुत काम किया, बहुत। तो गाइस, ये सब मैंने किया है, ये आटे गूंदना, रोटी बेलना, मम्मी यहाँ पे सब्जी काट रही है, नन्नाम, इसे नन्नाम बोलते हैं गाइस। और मैंने पूजा दे दिया। तो गाइस, अभी हम ये खाकर जाएंगे पीकेडी घूमने, ऐसे धूप में, ऐसे धूप में। और ये रही मेरी इंट्रोवर्ट, आज हो बात है हो तुम, आज हो बात। तो गाइस, हम लोग घर से निकल गए थे, मेरे साथ अभी दो लोग हैं, और अभी दो लोग आना नहीं दिखा सकती, एक को दिखा सकती हूँ, जरूर दिखाऊंगी मैं, वो भी खाने के टाइम दिखाऊंगी। तो अभी हमारे पत्थरकंदी में इतनी गर्मी है ना, क्या बताए। हम लोग अभी रेस्टोरेंट में तो नहीं, ये हरे कृष्णा लेबोरेटरी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो ओनर है उनको बोल रहे थे हम लोग प्लीज अंकल फैन चला दो, तो उन्होंने फैन चला दिया, और अभी हम फैन के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। सबको आने दो, सब लोगों के आने के बाद हम जाएंगे रेस्टोरेंट में। हम लोग रेस्टोरेंट पे पहुंच चुके, तो इन लोगों ने मुझे 350 रुपए का चूना लगा दिया। यहाँ पे बहुत गर्मी है, और जिस रेस्टोरेंट में हम हैं वहाँ पे तो फैन है ही नहीं, फैन है ही नहीं क्या, मतलब बिजली नहीं है तो फैन नहीं चल रहा। वेज चाउमीन, चिकन चाउमीन, एग चाउमीन, और ये हम तीनों ये पत्थरकंदी में वेजिटेरियन से मिलता है, ये चाउमीन ना वेज चाउमीन, ये 5 रुपए, ये 20 रुपए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो ये एक नंबर पागल है, खत्म बात। इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पार्टी दूंगी। ये तो 10 बजे से आई हुई है चाउमीन खाने के लिए, पार्टी के लिए 10 बजे से आई हुई है, और ये खाली बारी से सिर्फ 30 रुपए से चाउमीन खाने के लिए खाली बारी से 30 रुपए और चाउमीन जो भी हो भाई 30 रुपीज का, ये सबसे एक्सपेंसिव खा रही है 100 रुपीज का। तो गाइस, मैं और श्रेया यहाँ पे बैठे हैं, और जो बाकी मेरे दोस्त हैं वो दुकान में चले गए, और मुझे बोला यहाँ पे रुकने को, श्रेया का सर पता नहीं, वो शायद मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले रहे होंगे। तो मैं आपको घर में जाके दिखाऊंगी कि वो मेरे लिए क्या लेते हैं, और क्या मतलब कुछ भी घर में जाके दिखाऊंगी आप लोगों को। और वैसे तो यहाँ पे इतनी गर्मी है, गर्मी है गाइस। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर, और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पागल औरत इतने गर्मी में ये अपने बाल छोड़कर क्यों खड़ी हुई है। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा, मैंने आज अपना बाल धोया हुआ था, तो मेरे बाल गीले गीले थे यहाँ पर, तो पूरे दिन मैं इसे बांध कर ही
मतलब मैंने इसे बांध कर रखा था तो ये सूखा नहीं, मतलब मेरे बाल गीले होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने छोड़ रखा। और अभी तो मैं फिलहाल बांध लूंगी। तो गाइस मैं दिखाऊंगी मेरे दोस्तों से मुझे आज क्या मिला। ये मुझे तीन दोस्तों ने मिलकर दिया है, हैप्पी बर्थडे रश्मि, सुष्मिता, मौसमी ने मिलकर मुझे दिया ये। मुझे तो लगता है ये परफ्यूम है अंदर, और ये डेयर मिल्क कैडबरी किधर, तो ये बिल्कुल गर्मी है ना गाइस, तो ये बिल्कुल पिघल गया अंदर से। मैं इसको फ्रिज में रखूंगी फिर खाऊंगी। तो मैं इसको पहले तो ओपन करूंगी। तो मुझे मिला है ये परफ्यूम, ये इबा का है। और ज्यादातर मैं परफ्यूम यूज नहीं करती, मेरे पास तो परफ्यूम बहुत पहले एक था वो भी खत्म हो गया। अच्छा हुआ इन लोगों ने दे दिया मुझे, अब दूसरा खरीदने की जरूरत नहीं है। ये इबा का है। थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच मुझे ये गिफ्ट करने के लिए। और देखो गाइस मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाया है, सिर्फ सनस्क्रीन और कुछ भी नहीं लगाया, और मेरा स्किन बहुत ही ग्लो कर रहा है। अच्छा लगा मुझे ये देखकर। तो मेरा बस सेलिब्रेशन यही तक था। मैं सेलिब्रेट मतलब लोग करते हैं ना केक वेक काट कर, तो मेरा वैसा कुछ मन नहीं है। और मेरे सारे दोस्त चले गए गुवाहाटी में, तो वैसे भी मैं किसके साथ करती, किसके साथ मनाती। तो अभी मैं बड़ी हो गई तो मुझे वो सब करने में शर्म भी आती है, तो इसलिए मैंने वैसा सेलिब्रेट नहीं किया। बस मैंने जो घर में खाया, सब लोग घर वाले मिलकर रोटी सब्जी खाया पहले तो बनाकर, और उसके बाद हम गए अगर गांधी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। हाँ गाइस, तो आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ मैं आप लोगों को और एक बात बताना चाहूँगी, सामने एक प्रैंक वीडियो भी आ रहा है, बहुत ही मतलब आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हाँ अगर आप सब वो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, तो हमारे वीडियोस आप लोगों के पास मतलब आप लोगों के पास मतलब नोटिफिकेशन आ जाएंगे हमारे वीडियो छोड़ मतलब पोस्ट करने के बाद, अपडेट करने, अरे कहना क्या चाहते हो, अपलोड करने के बाद। तो हाँ अगर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।